बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपको खुश आमदीद कहता है जनाब। अय्यूब पार्क स्टेडियम रावलपिंडी में, तो यहाँ पे हमने जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया, डिस्कशन की, तो हमारे व्यूवर ने उसको फीडबैक बड़ा अच्छा दिया, तो हमने एक और दूसरी तरफ हम बढ़े और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आइडेंटिफिकेशंस, उसकी जो मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम बात करते हुए, तो ये जनाब एक स्टैचू बना हुआ है। और ये जो स्टैचू है ये उस वक़्त की तारीख का एक बेहतरीन जो है ये रोल प्ले कर रहा है। अगर कुछ अरसा, बल्कि बहुत अरसा पीछे जाया जाए, तो ये वाला बंदा जो है ये क्या सूरत हाल आगे सामने आपके पेश कर रहा है। तो ये जनाब इसने मशक, इसको कहते हैं मशक, उठाई हुई है और वो पानी जो है ये अब किसी साइड पे साठ खड्डे में ये गिरा रहा है। ये इतना ही काम नहीं है, इसके बारे में जो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पहले ये अंग्रेज़ के दौर से चली आ रही थी कि मशकों के बीच में पानी लाद के लोग उसको कंधे पे डाल लेते। ये मशक जो होती थी ये चमड़े की बनी हुई होती और बड़ा मजबूत किस्म का चमड़ा जो है इसको लगा होता है, कोलैप्सिबल टाइप होता है जनाब। तो अब यही जो मशक है इसमें जब पानी भर लिया जाता है, एक बंदा उसको अपनी कमर के ऊपर पहन के लटका के जनाब कंधे के ऊपर वो आता है, तो इसमें कुदरती पानी जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ठंडा हो जाता है और ये पानी पीना लोग जो है बड़ा खुशी और मुसर्रत का ये बायस होता है, लोग इसको बहुत लाइक करते हैं जनाब। अगर मेले ठेलों पंजाब के बारे में बात की जाए तो पंजाब में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पे मशक के ज़रिए जो लोग पानी पिला रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सादा पानी अगर गर्मी का मौसम हो तो वहाँ लोग पीते हैं जनाब, तो लोग इसको बहुत लाइक करते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे तो ये इसका इतना ही काम है कि ये सिर्फ दिखाया गया है कि ये खड्डे में पानी अपना जो मशक का है वो ज़ाया कर रहा है। जब शाम हो जाती है, पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर वो अपना जो दिन भर का काम होता है वो करके यहाँ पे पानी जो है वो ज़ाया करके चला जाता है अपने घर, क्योंकि मशक में घर में पानी ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब वो उसने अपनी मशक जो है क्लोज करके अपने बगल में दबाई और घर में चल दिया, क्योंकि पूरे दिन का जो काम था उसका वो तो ख़त्म हो गया। तो ये होती है जनाब सूरत हाल। अगर इस तरफ देखा जाए तो ये मेन चौक में अय्यूब स्टेडियम, जो अय्यूब पार्क है रावलपिंडी, मेन जीटी रोड के ऊपर है जनाब। अगर आप कचहरी से, रावलपिंडी कचहरी से जनाब सवां की तरफ जाएं तो थोड़ा सा मिड में अगर देखें तो लेफ्ट उल्टे हाथ के ऊपर ये अय्यूब स्टेडियम जो अय्यूब पार्क के नाम से हमें नज़र आएगा। और ये तारीखी जगह है कि इस्लामाबाद और पिंडी में इतना बड़ा जो पार्क है कहीं देखने को नहीं मिलता, और ये बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ पे आए और खुली खुली जगहों के ऊपर लोग जो है वो इंजॉय करते हुए ना। तो इसके बारे में दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे ये हैवी गन खड़ी हैं, लोग इसको भी भागा और इसका जायज़ा ले रहे हैं, बच्चे इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये जो गन है जब वार में इस्तेमाल होती है तो फिर इसका क्या फंक्शन होता है, ये कैसे फायर करती है और क्या क्या चीज़ है, कब की ये बनी हुई है और कब से ये अब्सोल्यूट हो गई और अब ये डायनमो के तौर पे और खाली जो नज़र आपको आ रही है तो ये सिर्फ नमूने के तौर पे रखी गई है ताकि एक आने वाली जो नई नस्लें हैं उनको पता चले कि ये वाली जो गन है ये अंग्रेज़ दौर में इस्तेमाल हुआ करती थी। इसका फंक्शन ये है कि जनाब ये बड़े से बड़े टैंक को भी तबाह कर देती है, इसकी रेंज जो है जनाब इतनी दूर तक ये जो है ये मार करती है और ये जहाज़ को उतारना इसके लिए कोई मसला नहीं है। ये इस किस्म की इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन होगी और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये पूरी हिस्ट्री जो है इसके ऊपर वो भी लिखी हुई है।
रमी भाई को दीजिए जनाब इजाज़त। आप अगर इस्लामाबाद पिंडी की तरफ आएँ तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप अयूब स्टेडियम में आएँ तो ये जगह ज़रूर देखें, और ये जो गन्ने लगी हुई हैं इनके बारे में ये जो हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी हुई है तो ये आपको बड़ा मज़ा देगी। आप देखते रहिए हमारा चैनल रोशन ऑफिशियल के नाम से, तो आप इसको लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।